हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम द प्रेलूड की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। हम आज बुक फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आप पूरी पोएम प्रेलूड की समरी को देखना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बुक फर्स्ट को अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो पोएम है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी ही जिंदगी के बारे में इस पोएम में हमें बताया है। तो इस पोएम की जो शुरुआत होती है यानी बुक फर्स्ट, उसमें जो स्पीकर है यानी वर्ड्सवर्थ, वो बता रहे हैं कि कैसे वो शहर से फिर से अपने गांव वाले घर में, गांव वाले एरिया में वापस आए हुए हैं। और तब उनकी उम्र बहुत कम है, वो काफी यंग है। तो क्योंकि अब ये वर्क ऑटोबायोग्राफिकल है तो हम गेस कर सकते हैं कि वापस कहाँ लौट कर आए हैं। तो वो इंग्लैंड के आइडेलिक लेक डिस्ट्रिक्ट, यानी जो तालाबों से भरा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर वो वापस आए हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट जहां पर वो पले बड़े। और अब वो बहुत ज्यादा खुश है, रिलीव्ड है, थ्रिल्ड है। और इसीलिए, क्योंकि उन्हें शहर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, वो अपने गांव आकर खुश हैं। और वो उस क्राउडेड सिटी को, यानी भीड़ भाड़ वाले शहर को, एक कैप्टिविटी वाली जगह से, यानी कि एक कैद खाने से भी कंपेयर करते हैं। और फिर वो नेचर में एक्सपीरियंसेस लेने जाते हैं, क्योंकि उन्हें नेचर बेहद पसंद था और उन्हें नेचर की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, उसे वो एंजॉय करते थे। और इसलिए भी, क्योंकि जब वो नेचर में होते थे तो अपने वो राइटर बनने के लक्ष्य को काफ़ी हद तक पूरा कर पाते थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा आइडियाज आते थे और अपने राइटिंग इंस्टिंक्ट को वो स्ट्रॉन्ग कर पाते थे जब वो नेचर में रहते थे। इसीलिए वो नेचर में एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। तो वो बताते हैं कि नेचर में कौन कौन सी जगहें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो रिवर डेरवेंट के बारे में बताते थे, जो उनके घर के पास बचपन में बहा करती थी वो नदी, और ये उनकी काफ़ी पहले की मेमोरी है नेचर की। और वो बताते हैं कि जैसे जैसे वो बड़े हुए, वो और ज़्यादा एडवेंचरस हो गए और वो जंगलों में, पहाड़ों में जाया करते थे और कभी कभी मुश्किल में फंस जाते थे। कभी कभी वो चिड़ियों के घोंसलों को देखा करते थे, उनसे अंडे वगैरह भी चुरा लिया करते थे, प्लंडर करते थे। और कभी कभी तो छोटी सी पहाड़ी से वो गिर भी जाया करते थे और जिंदगी बचाने के लिए किसी भी तरीके से वो फिर से पहाड़ के ऊपर आते थे। और इससे वो बता रहे हैं कि नेचर ने उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस दिए, जिसके कारण वो आज जो कुछ भी हैं, वो कहते हैं नेचर के कारण ही वो हैं। और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट जो उनके अंदर आया, वो नेचर के कारण आया। फिर वो अपनी एक इंटेंस मेमोरी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि कैसे उन्होंने एक बार एक छोटी सी नाव चुरा ली थी और उस नाव में बैठकर वो कुछ बड़े बड़े पत्थरों के पास से गुजर रहे थे। और ये जो पत्थर थे, वो पत्थर उन्हें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट किया, उन पत्थरों ने उनको। और उन बड़े बड़े पत्थरों को देखकर उनके अंदर एक हॉरर, यानी उन्हें डर भी लगा और क्यूरियोसिटी भी जागी। और ये जो मेमोरी थी वो उनके साथ हमेशा रही। उन्होंने बोट को लौटा दिया था, लेकिन फिर भी ये मेमोरी उनके साथ रही। और जब भी वो उस सबलाइम एक्सपीरियंस, यानी नेचर के उस एक्सपीरियंस को याद करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो इंसान रोज़ की मुंडेन जिंदगी जीता है, वो कितनी ज़्यादा मीनिंगलेस होती है, उसमें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब हम नेचर के साथ होते हैं तब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो कहते हैं कि जो मैन मेड वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस है, और नेचर बहुत ही, नेचर का एक डिवाइन ग्रैंडियर होता है, डिविनिटी होती है, यानी उसमें एक ईश्वर का तत्व होता है नेचर में। एट द सेम टाइम ही रिमेम्बर्स कामर लेस अर्थ शैटरिंग मोमेंट्स इन द नेचुरल वर्ल्ड। इसके अलावा वो कुछ शांत मोमेंट्स को भी याद करते हैं अपने बचपन की, कि किस तरीके से वो आइस पर स्केटिंग किया करते थे, कार्ड के गेम्स खेला करते थे, और ये सब चीज़ें करके उन्हें बहुत शांति मिलती थी। द स्पीकर क्लेम्स दैट ही फेल्ट रिमार्केबली सेंसिटिव एंड कनेक्टेड टू नेचुरल ब्यूटी एज अ चाइल्ड। तो वो कहते हैं कि जब वो बच्चे थे
तो वो काफी अपने आप को नेचर से कनेक्टेड महसूस किया करते थे। फाइनली द स्पीकर अपोलोजाइजेस फॉर इज लॉन्ग वाइंडेडनेस। फाइनली फिर स्पीकर माफी मांगते हैं अपने रीडर से और कहते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, लॉन्ग वाइंडेडनेस यानी बहुत लंबा चौड़ा मैंने भाषण टाइप दे दिया है। और वो कहते हैं कि लेकिन ये सब पास्ट जो है, अपने इतिहास को याद करके, पास्ट को याद करके मैं अपने अंदर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाना चाहता था, इसलिए ये सब याद कर रहा था। और इन सब चीज़ों को रेमिनिसाइज करके यानी कि याद करके मैं अपने आप को मेंटली शार्पर महसूस कर रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी की पूरी स्टोरी बोलने के लिए अब मैं तैयार हो चुका हूँ, ऐसा वो बताते हैं। सो ये थी बुक वन। आई होप आपको इसकी समरी समझ में आई होगी। अगर आप पूरे प्रेलूड की समरी देखना चाहते हैं तो वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।